हालांकि अब उतनी अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती, फिर भी जो कार्यकर्ताओं से निधि संग्रह का जो एक विचार उनका ठाकरे जी का रहा है, मुझे लगता है कि पार्टी हो सकता है उस पर अमल करे। बिल्कुल रवि जी, इसके अलावा सीएम शिवराज के संकल्प का एक साल पूरा हुआ, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए मैं दीपेश जी, मैं आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले अक्टूबर में भी नमो वन जो है वो का अभियान चलाया गया था और हर मंडल स्तर पर इस तरह के फोटोग्राफ खींच के पार्टी को भेजे भी गए। तो आप देखेंगे कि भोपाल में देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मंडल में कोई नमो वन जो है आज लहलाता दिख रहा हो। तो इस तरह की अगर संकल्प है तो मुझे लगता है कि इसको नहीं होना चाहिए। और कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जो कार्यकर्ताओं से, पर्यावरण प्रेमियों से जो आह्वान किया है कि उसका पोषण के साथ साथ उसका संरक्षण और संवर्धन, क्योंकि अब ग्रीष्मकाल शुरू होने वाला है, अगर आप पौधा लगाकर भूल गए तो वो सूख जाएगा, क्या दुर्गति होगी वो आप हमको समझ सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखा जाए, संकल्प से बेहतर ये। जहां तक देखिए मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अपने संकल्प को निभाया है, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार नियमित तौर पर इस तरह का पौधरोपण करना, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इस तरह का कोई और नजीब सामने होगी। बिल्कुल राजेश जी, एक कमेंट आपसे सर, कैसे देखते हैं सीएम शिवराज के संकल्प को एक साल पूरा होने पर एक मिसाल बनकर उभरे? वाकई में इसमें कोई शक नहीं है, पूरे 100 में से 100 मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन ये बात नीचे तक भी जाए, बीजेपी ने हालांकि जिस तरीके से आज इवेंट किया, पूरा संगठन सरकार के साथ, सरकार के मुखिया के साथ खड़ा नजर आया, उस पर कमेंट, फिर हम बीजेपी की बैठक पर आपसे बात करेंगे। देखिए सबसे अच्छी बात ये है इसमें दिवेश जी की, भले ही इल्जाम विपक्ष कुछ भी लगाता हो कि भाजपा में भी गुटबाजी है, भाजपा में भी अलग अलग छत्रप हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों को देख के समझ में आता है कि वहाँ गुटबाजी जैसी चीज नहीं दिख रही है, और होगी भी तो वो इतने माइक्रो लेवल पे होगी कि उसका भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं आता है, एक बात तो ये है। दूसरा ये था कि आज नितिन गडकरी जी और जो जनरल वीके सिंह भी साथ में आए थे, और उन्होंने जो आज इंदौर में दो जगह गए, एक तो वो अपने तारनेश्वर महाराज से मिले और दूसरा नाथ मंदिर गए और वहां पर जाके कार्यकर्ताओं से मिले, जिस तरीके से ये लोग आज गडकरी जैसे महा मतलब इतने सीनियर लीडर, चलिए वीके सिंह साहब तो फौजी आदमी थे, उनको तो लीडर पॉलिटिक्स का उतना नहीं है, लेकिन गडकरी जैसे और आम आदमी से जिस तरह से वो लोग आज इंदौर में मिले हैं, ये बड़ा अच्छा मैसेज गया है जो पब्लिक में, और उज्जैन गए वहां पे भी जो कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। लेकिन अब बात ये है कि जो पर्यावरण का जो पौधारोपण का है, ये कहीं ना कहीं अगर शिवराज जी ने शुरू किया तो देखिए, ये संघ आरएसएस ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति पिछले कुछ समय से शुरू किए, बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है, क्योंकि इस समय जैसा अभी अवस्थी जी ने बोला कि इसने, सॉरी दीप जी ने बोला कि पर्यावरण जो है वाकई बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आया है और हम सबके सामने, लेकिन बस चिंता की बात ये है, ऐसे पत्रकार आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है, हर साल एक ही जगह पे पौधारोपण होता है एक खाली मैदान में, और अगले साल फिर उसी पे होता है, और 25 सालों से वहाँ पौधारोपण हो रहा है और पौधे नहीं है वहाँ पर, पौधे खूब लग जाते हैं बरसात में, और उसके बाद जैसे ही पौधारोपण का काम खत्म हुआ, उसके बाद गाय खा जाए, बकरी खा जाए, या वो पानी नहीं मिलने के कारण सूख जाए, इसकी चिंता कोई नहीं करता है। तो पौधारोपण जो है, पौधारोपण करके फोटो खिंचा के अखबार में छपवाना, उसको अपने संगठन को आपने भेज दिया, संगठन में आपके बोला कि आप फोटो भेजो पौधारोपण की, पर संगठन को ये करना चाहिए कि आप हर एक महीने की फोटो भेजो, उसी उसी की जो जो जियो टैग करके हर एक महीने के एक महीने भेजो कि आप पौधा कितना बड़ा हो गया, आपका पौधा कितना बड़ा हो गया। 1000 पौधे लगाने के बजाय 100 लगाएं, लेकिन 100 पांच साल तक आप उसका संरक्षण कर लेंगे तो वो पौधा पेड़ बन जाएगा, फिर अब 5 साल तो आपको उसकी रक्षा करनी है, फिर 5 साल बाद वो आपकी रक्षा करेगा पूरे मानव समाज की। तो ये एक चिंता की बात है, जो पॉलिटिकल जितने भी होते हैं, अपन उस बारे में अभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये दिक्कत वाली बात है कि पौधा लगाकर और जो नेता लोग होते हैं उनको लगता है कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। बिल्कुल, फोटो सेशन तक वो सिमट के नहीं रह जाना चाहिए भाई। स्वच्छता अभियान ठीक है, बिल्कुल मोदी जी ने अभियान शुरू किया और उसका नतीजा है कि आज कई शहरों में जहां गंदगी का अंबार रहता था वहां स्वच्छता नजर आ रही है, लेकिन उस पर पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है। स्वच्छता तो ठीक है सामने आ गई, लेकिन पौधारोपण, गीत जी बात आपसे बस यही है भाई, स्मार्ट सिटी में लगाने के लिए आप 70 लाख के पौधे लगाएंगे जो वो श्री यंत्र वाला पार्क बन रहा है, ये अगर आप जन अभियान में बदल देते, भोपाल के बाशिंदे अगर एक आदमी भी एक पौधा लगाता तो 25 लाख पौधे, तो हम कह रहे आधे लोग, चौथाई 5 लाख पौधे लग जाते उस पार्क में, ठीक है।
तो बात ये है कि पैसा तो खर्च हो जाता है, और ये हमने देखा कई मौकों पर, सूख गए, गाय खा गई, नष्ट हो गए। अभी जो नया ब्रिज बन रहा है गीत जी बैरागढ़ में, उसके नीचे उनने साफ पौधारोपण लगा दिया, कर दिया, पैसे बड़े महंगे महंगे पौधे लगा दिए, उनको कोई पानी देने वाला नहीं। बात ये है, देखिए सीएम शिवराज ने संकल्प दिया, रास्ता दिखा रहे हैं, हम उनको बिल्कुल उनके साथ में प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो चीज नीचे तक आना चाहिए, जो बीजेपी कार्यकर्ता ही मिसाल बने, वो क्यों बात सामने नहीं आती है, और भ्रष्टाचार की भेंट ऐसे ऐसे पौधारोपण अभियान चले आते हैं। तो गीत जी इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए दीपेश जी, आपका जो सवाल है मैं उसको नकारूंगा नहीं, बल्कि क्योंकि मेरा ये मानना, पत्रकार जो है वो समाज का एक आईना होता है। निश्चित रूप से आपने जो बात बोली है बैरागढ़ वाली बात ध्यान में है शासन के, लेकिन ये क्या हुआ था, मैं आपको इसको क्लैरिफिकेशन देते हुए, देखिए इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ लेकिन स्पष्टीकरण देते हुए सच्चाई तो उजागर करना अवश्य बनता है। कांग्रेस के समय पे हमें सरकार वापस मिली थी, उसके बाद में गिफ्ट में हमें कोरोना दे गए थे, तो काफी टाइम ऐसा हुआ कि कुछ दिक्कतें आई थी प्रशासन नगर निगम के पास में, जिसके कारण जो है पानी नहीं पहुंच पाया था वहां पर। धीरे धीरे हमने प्रयास किए लेकिन वो कुछ पौधे उसमें से मर गए थे और नष्ट हुए हैं, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आगामी दिनों में भी जो हमने नए पौधे लगाए हैं, अभी जितने भी शिवराज जी ने पौधे लगाए हैं, इसका संरक्षण भी हो, इसके ऊपर भी विशेष रूप से जो है वो वहां पर कार्य प्रणाली के तहत ही कार्य किया जा रहा है। और ये आपने जो श्रीयंत्र पार्क की बात जहां बोली, जहां लोग ध्यान लगाएंगे और वो एक योग का एक बड़ा केंद्र के रूप में भी दिख सकता है वो आने वाले समय में आपको वो जगह, तो वहां पर भी हमने इस प्रकार की जो है योजना, और देखिए जो स्वयं व्यक्ति, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, मैं स्वयं अपने जन्मदिन पे और आने जो महत्वपूर्ण दिवस आते हैं, मतलब मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त पे भी पौधे लगाता हूँ, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ, जिसके माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले। तो इसी प्रकार की प्रेरणा हमारे नेता हमेशा देते रहते हैं और उसका हम लोग ध्यान भी रखते हैं कि कहाँ कैसे लगाए। अभी एक नई प्रणाली के तहत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, जो मैंने आपको बताया, प्रक्रिया प्रारंभ करी है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी लोगों से पौधे लगवाने के बाद में उसके ऊपर एक गेज भी लगवा देते हैं जाली वाला, और उसके ऊपर व्यक्ति का नाम लिखवा देते हैं। तो अगर उसके पौधे को पानी नहीं मिलता है तो उसको बुला के बोलते हैं कि भैया तो पानी दो। तो इस प्रकार से जो है पौधे के संरक्षण के प्रति भी, पेड़ के संरक्षण के प्रति भी और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति भी हम अपने कार्यकर्ता और जनता को जागरूक कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है पत्रकार हैं वो आगे भी हमें इस प्रकार का आईना दिखाते रहेंगे, तो अगर हमारी कहीं चूक होती है तो हम बिल्कुल उसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे, और इस प्रकार की कहीं चूक ना हो इसका प्रयास भी रहेगा। मगर जहां तक के बात आती है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पहल करती रही और आगे भी करती जाएगी। लेकिन अगर आप यही सोचिए, 70-75 सालों में जब दूसरे लोगों की सरकार रही, अगर उन्होंने पहल भी की होती है, बल्कि कोई रणनीति भी कब बनाई होती, तो आज हमारा देश जो है इस मामले में कितना हरा भरा होता, आज मध्य नहीं, नहीं, वो सब ठीक है। देखिए अवैध कटाई तो गीत जी देखिए अभी भी हो रही है, नाक के नीचे से सरकारी बंगलों से जंगल के जंगल साफ हुए चले यार, तो फिर अभी राजनीति की बात नहीं, वरना 10 चीजें हैं मेरे पास बोलने के लिए। आपको मालूम होगा कि अगर आप वर्ल्ड एनवायरमेंट रिपोर्ट देखें तो उसमें मध्य प्रदेश को नंबर 1 के ऊपर रेट किया गया। अरे उससे भी ऊपर चला जाता, अवैध वन कटाई की बात तो आप मानेंगे ना, यहाँ पर सरकारी बंगलों से चंदन के पेड़ चोरी जा रहे, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से, मैं बस भोपाल की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की तो कहीं ना ऐसा कोई विषय नहीं है। अगर बात ये है कि भाई ठीक है पौधा लगा रहे बहुत अच्छी बात है, उसकी देखरेख हो, वो रिजल्ट, ये केवल ये ना हो कि जो जो गमले जो क्यारी में 20 रुपए का पौधा मिल जाता, पहले उसको 100 रुपए में खरीदा जाए, फिर उस पौधे को गाय खा जाए, फिर वहां पर नया अगला साल हम फिर नया पौधारोपण अभियान चलाएं। ये गीत चलेगा तो अक्सर फलेंगे फूलेंगे, पेड़ पौधे नहीं फलेंगे। मैं सीधे आपको कहूं जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए यहां रुक के 10 सेकंड का उत्तर दूंगा। देखिए ये कांग्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा इल्जाम था हमारे ऊपर, जिसको बहुत गंभीरता से लिया था हमने भी और कांग्रेस ने भी, और कांग्रेस ने जांच करवाई थी, और नर्मदा के किनारे भी पौधे जितने हमने लगाए थे, यहाँ पर भी पौधे जितने लगाए थे, क्लीन चिट दी थी उमंग सिंघार जी ने कांग्रेस के शासन में, अभी की बात है 15 महीने की जो सरकार थी। तो हमारे सरकार में हमारी नीयत साफ रही है, इसलिए हमारी जगह से जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष निकले हैं, और निष्पक्षता से काम होता है। निष्पक्षता एक कमेंट रवि जी का ले लें, लास्ट कमेंट रवि जी, क्या इसमें एड ऑन करना चाहेंगे आप, कुछ और सुझाव या कोई और बात जो गीत जी कह रहे हैं? देखिए मैं दीपेश जी, तो आज का दिन बहुत अच्छा मालूम होगा, क्योंकि देखिए एक तरफ तो मैं जो बड़ा अभियान की शुरुआत हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस जो पहल करी वो एक अभियान का स्वरूप धारण कर रही है, एक अच्छी बात है, जो अच्छा काम होता है उसकी सराहना की जानी चाहिए। एक और शुभ सूचना जो मिली है, आज जो केंद्रीय राज्य मंत्री जब महाकाल कॉरिडोर पहुंचे तो उन्होंने 11 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, मध्य प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ बहुत हो रहा है, ये अच्छी बात है।
लेकिन चूंकि आपका सवाल यही है दीपेश जी की सरकारी स्तर पर जब बात आ जाती है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सवाल उठना लाजमी है। जैसा आपने भी संकेत दिए कि अगर बड़े पैमाने पर अवैध वन कटाई हो रही है और दूसरी तरफ आप पौधरोपण का अभियान चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे कि जो पहले से वृक्ष उन्हें क्यों नहीं बचाया जा रहा है। खास करके अगर आप भोपाल फसल की बात करें वनमंडल की तो देखिए कितनी बड़ी तादाद में अवैध कटाई के मामले सामने आए। तो मुझे लगता है कि सरकार स्तर पर जब इस तरह के प्रयास हो रहे हैं तो उस दिशा में भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वन कर्मचारियों को जिस तरह से आए दिन वन माफिया खदेड़ रहा है वो वाकई में चिंता का विषय है। जी राजेश जी एक कमेंट और लास्ट कि सीएम शिवराज का अनुसरण करें, बीजेपी के कार्यकर्ता भी नेता भी विपक्ष के भी नेता कार्यकर्ता आम लोग भी, क्या और मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए या क्या कुछ और अपनी ओर से कर सकते हैं सीएम शिवराज भाई, उन्होंने रास्ता तो दिखाया, उस पर बाकी लोग कैसे चलें, कैसे मोटिवेट हो। राजेश जी देखिए दीपेश जी शिवराज जी ने अगर कोई रास्ता दिखाया है, उनके लीडर हैं मुख्यमंत्री हैं वो, तो और सिर्फ बात भाजपा की नहीं है, पूरे हर नागरिक को पौधा पौधा तो देखिए ना बीजेपी या कांग्रेस देख के ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा है ना, वो तो ऑक्सीजन देगा और सब पे काम आएगी। अब एक छोटा सा मैकेनिज्म है जो अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया था इंदौर में दो तीन जगहों पे किया था कि पुराने मटके लोगों से ले लेते थे, उसमें छोटा सा छेद कर देते थे और उसको उस पौधे के ट्रंक पे बांध दिया और उसको दिन भर में एक बार कभी दो बार भर दिया तो एक एक बूंद पानी आता रहे, वो पौधा कभी नहीं मरेगा ऐसी स्थिति में। तो अगर ये छोटी चीज हम कर लें, और दूसरी बात ये थी कि एनएचएआई जो 70 लाख पौधों की बात स्मार्ट सिटी की हो रही है, तो एनएचएआई जब भी कोई नई रोड बनाती है तो उसके साथ एक शर्त होती है उनके कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको इतने पेड़ लगाने हैं, क्योंकि इतने पेड़ कटे हैं आपके इस रोड को बनाने में, एक भी एनएचएआई की शर्त अगर पूरी हो पूरे देश में, बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, एक भी अगर एनएचएआई ने वो शर्तें पूरी करी हो और वो पेड़ अगर लगे हों तो मतलब आपको आश्चर्य हो जाएगा कि कहीं पे भी पूरा नहीं है वो। ये चिंता की बात है, तो ये भी भाजपा को सोचना चाहिए। कुछ नहीं तो जो अभी एनएचएआई के ऑलरेडी चल रहे हैं टोल वसूल कर रहे हैं उनसे आप उनको चेतावनी दो कि आपको एक साल के अंदर ये पौधे पूरे चाहिए तो देने लगाने पड़ेंगे उनको, नहीं तो टोल में कम कर दो आप उनको। आपके पास तो डंडा है, डंडे को चलाओ आप, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं बचाया हमने तो कोई नहीं बचेगा फिर तो। चलो बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, शुक्रिया रवि जी और शुक्रिया गीत जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो समर्पण सौगात और समीक्षा बैठक के ये दो दिन काफी अहम, पहले दिन सीएम शिवराज के संकल्प पर एक साल जो पूरा हुआ उस पर जश्न मनाया गया और अब दो दिनों तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता पदाधिकारी बैठकर मंथन करेंगे, पार्टी की रीति नीति क्रियाकलापों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ जो समर्पण निधि सहयोग निधि अभियान जो चल रहा है उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नए सिरे से टास्क दिए जा सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए डीएनएन न्यूज़, नमस्कार।